यहाँ पर ऊपर इसका आइकन चेंज हो गया। ठीक है, तो हेड, आप हेड के अंदर आप सारी जो इसकी मेटा डेटा होती है ना वो रखते हैं। सो लेट्स जंप टू बॉडी। अब बॉडी में क्या होता है, बॉडी के अंदर आपका ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना व्हाइट कलर की ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा लाइक H1 ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो बॉडी के अंदर हमारा सब कुछ आता है। मैं बेसिक इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है 2-1 बैच भी है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत मैं अपना पेस जो है वो स्लो रख रहा हूँ। मैं भी कुछ लोग बोर हों यहाँ पर, बट स्टिल हमें चलना पड़ेगा इसी तरह से। ठीक है, अब हाँ मैं जो हूँ ना, मैं इसके अंदर जो स्टाइलिंग कर रहा हूँ वो स्टाइलिंग इसी के अंदर इंटरनल स्टाइलिंग कर रहा हूँ, मैं कोई एक्सटर्नल फाइल नहीं बना रहा ताकि मतलब एक ही स्क्रीन हमारी शेयर हो। ठीक है, अब स्टाइल का मैं मतलब यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट ठीक। हमारा जो मेन आज का टॉपिक वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट है, तो और अभी आपको मैंने डॉम समझानी है, सो दैट्स व्हाई मैं अभी यहीं पर एक स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो हमारी जावास्क्रिप्ट होगी। ठीक है, तो एक आईडी देता हूँ मैं टाइप कर। ठीक है, ये आईडी बेसिकली एक मतलब यूनिक एट्रीब्यूट होता है किसी भी एलिमेंट है ना, लाइक हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब कभी कभी आपको किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को चेंज करना होता है या उसको उसको वैल्यू देनी होती है जो मतलब डिफरेंट होती है दूसरों से, यूनिक वैल्यू होती है, तो इसलिए हमारे पास एक जो यूनिक एट्रीब्यूट है आईडी वो हम इसको दे रहे हैं अभी, क्योंकि मैं इसको जो है वो मैनिपुलेट करने वाला हूँ डॉम के थ्रू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ लेट एक्स इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अंदर मैं इसकी आईडी लिखूंगा। ठीक है, एंड इसके अंदर अब एक्स क्या स्टोर कर रहा है ये आपको मैं दिखाता हूँ अभी कंसोल में प्रिंट करा के, कंसोल डॉट लॉग एक्स। सी यहाँ पर ये एक एलिमेंट प्रिंट हो गया। ठीक है, सो ये है बेसिकली डॉम, ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, जो ये मतलब पूरा एलिमेंट स्टोर कर रहा है। अब मैं जो हूँ ना, ये जो मैंने एक्स वेरिएबल के अंदर ये एलिमेंट स्टोर किया है बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फॉन्ट आप सबको विजिबल है, मे बी शायद छोटा होगा फिर, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। स्टिल मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो अब एक्स जो है ना, एक्स आपका यूँ समझे कि ये जो H1 एलिमेंट हमने बनाया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कर रहा है। तो अब मैं इस जो H1 टैग H1 एलिमेंट है जो हमारे पास हेलो वर्ल्ड का, इसके साथ मैं खेल सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ लाइक एक्स डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू हेलो जेड। ठीक, चेंज नाउ। ठीक है, तो डोम आप इसलिए यूज करते हैं ताकि आप जो HTML है और जो CSS है उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मैं इसका जो है वो फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ लाइक एक्स डॉट स्टाइल डॉट कलर। ठीक है, कलर
ग्रीन ज्यादा नहीं है। ठीक, और इसके अंदर ये जो है ना एक्स डॉट इन एन एच टी एम एल, और ये जो मैं इसको गेट कर रहा हूँ एलिमेंट को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ, तो ये बेसिकली डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम एपीआई। ठीक है, और ये जो है एक्स डॉट स्टाइल डॉट कलर, ये है सी एस एस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सी एस एस ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब ये जो है ना ये चेंज करते हैं सी एस एस का जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको चेंज करता है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज, एक्चुअली इट्स माय फर्स्ट बूट कैंप, सो अगर किसी को कुछ ना समझ में आ रहा तो प्लीज बता दो मुझे। एनीवन? कंटिन्यू करता हूँ। आप एक काम करो, मुझे इतना बता दें कि आपको एच टी एम एल या सी एस एस वगैरह की कितनी नॉलेज है, तो मैं अपना जो बेस है वो इस हिसाब से रखूँ प्लीज। वन गाइस, अलीजा एंड लोकेश, यार आप लोग जो थोड़ा सीनियर बैचेस हैं, तो एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो 2021 बैच है, ठीक है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। वैसे एक्चुअली इट्स डे वन, सो मर्न स्टैक जो है वो हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है। आज जावास्क्रिप्ट के थोड़े बहुत हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे। एक्चुअली जो उसका मेन टारगेट ऑडियंस है हमारे बूट कैंप की, वो 21 बैच है। मूवीज मेटा टैग जो है वो मैं आपको आगे जाकर जो एसईओ टिप्स है, ठीक है, आज के एजेंडा में है, तो आपको वहाँ पर समझाता हूँ मेटा टैग क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है, ठीक है, हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन से टैग्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, सेमेंटिक टैग्स क्या होता है, तो वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। सो इसी तरह चलते हैं। ठीक है, अब मैं जो हूँ आपको आपकी जो है वो जो सी एस एस में फ्लेक्स होता है, ठीक है, वो भी आपका कवर करवाता हूँ। ठीक है, एंड जो मतलब उसको आप डॉम के थ्रू आप मल्टीपल कार्ड्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बाय राइटिंग शॉर्टर कोड। अगर मैं मतलब ज़्यादा कोड लिखूंगा तो वही हमारे इंटरप्रेटर पर मतलब एक बोझ बनता है। ठीक है, ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड एक अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उसको स्मार्टली करने के लिए हम उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, बट बिफोर दैट, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हम लोग पहले बॉडी के अंदर बनाते हैं, ठीक है, एचटीएमएल के अंदर, देन उसको हम लोग उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल कार्ड्स बना देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले एक मैं डेव टैग बना रहा हूँ जिसको मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। क्लास बेसिकली जैसे मैंने आपको आईडी बताया, आईडी बिल्कुल यूनिक होती है, बट जो क्लास होता है वो एक कलेक्शन के लिए होता है, मतलब आप कलेक्शन का स्टाइल मतलब एक ही कोड से कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। देन आई एम मेकिंग इमेज, क्लास इमेज, ठीक है, जैसे कुछ प्रोग्राम है, ठीक है, क्लास कंटेंट, ठीक है, कंटेंट के अंदर एच टू टाइटल होगा, देन वी हैव
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल उसका भी मैं ले लेता हूँ। Title one basically sample text है हमारे में सुन। कंटेनर पर मैं हाइफ़न इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि वो समटाइम्स हमारी जो जावास्क्रिप्ट है उसके साथ मतलब सब्ट्रैक्शन के ऑपरेटर की तरह मतलब है ना मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाता है, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर ये यूज कर रहा हूँ। ओके सो इसकी स्टाइलिंग करते हैं। आर्ट्स कंटेनर फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन रो एंड डॉट कार्ड ओवर फ्लो हेडर वेट सिस्टम कर देते हैं लाइक 50%। ठीक है एंड मार्जिन आपको नाउ इट लुक्स गुड। सो बेसिकली हमने मतलब इसकी कोई खास स्टाइलिंग नहीं की हमने, बट मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है तो दूसरे कार्ड्स बनाए थे वो मैं सर डिलीट कर दूंगा ऐसे। तो यहाँ पर रजिस्ट्री में ना मैं अब इसी को डॉम के अंदर कॉपी करूंगा। ठीक है देखिए किस तरह करता हूँ। देन हम लोग जो पार्ट्स का कंटेनर बनाते हैं ठीक है लेट। अब एक्चुअली मैं आपको लेट एंड वार का डिफरेंस समझाता हूँ। आप इसके अंदर वार एक्स भी कर सकते हैं लेट एक्स भी कर सकते हैं। ठीक है अब इनका डिफरेंस क्या है। बेसिकली 2015 में एक स्टैंडर्ड वर्जन जो है वो रिलीज किया गया था जावास्क्रिप्ट का। ठीक है एक स्टैंडर्ड रिवीजन आया था जिसके अंदर काफ़ी नए फीचर्स ऐड किए गए थे। ठीक है अब उसके अंदर आ जाता है आपका जो स्प्रेड ऑपरेटर है। ठीक है ये आप उसके थ्रू क्या करते हैं कि किसी भी एरे की जो वैल्यूज है लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ लेट एरे इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है अब ये एरे है ना मैं इस एरे को अगर एरे
के अंदर मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, एरे लिखता हूँ। तो बेसिकली जो एरे टू है ना उसके अंदर एरे वन का रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली एरे ये ओरिजिनल ही रहेगी बट इसके अंदर मतलब इसका एक जो मेमोरी एड्रेस है वो आ जाता है, ठीक है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो एरे है मेरे पास मतलब इसकी एक कॉपी बन जाए, तो उसके लिए मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज करता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि मतलब जो भी चेंजेस मैं एरे टू के अंदर करूंगा वो एरे वन के अंदर नहीं होंगे, बल्कि एरे टू मेरी एक बिल्कुल इसकी एरे की कॉपी है, ठीक है। आपको ज्यादा कोई लूप्स वगैरह चलाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली आप ये सब कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। सो जस्ट आपको ECMAScript समझा रहा था, ECMAScript क्या है, इसके फीचर्स हैं, क्योंकि हमारा आगे क्विज भी आ रहा है तो उसके अंदर भी मे भी आपके पास क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, ठीक है। देन लेट एंड वार के अंदर डिफरेंस क्या है, लेट एंड वार के अंदर स्कोप्स का डिफरेंट है, ठीक है। आप अगर लेट के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं तो वो आपका स्कोप के अंदर ही मतलब रहता है, ठीक है। ग्लोबल स्कोप में बना रहे हैं तो ग्लोबल स्कोप में आपका वो रहेगा, अगर लोकल स्कोप में बना रहे हैं तो वो वहीं तक लिमिटेड रहता है, बाहर जाकर आप दूसरे नेम का बना सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये इस कंडीशन है ना, इसके अंदर अगर मैं वेरिएबल यहाँ पर बना रहा हूँ वार एक्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एल्स के अंदर वार एक्स नहीं बना पाऊंगा, मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बट जो लेट है ना, लेट से क्या होता है कि लेट से ये एक्स आपका ये इसी इन्हीं ब्रैकेट के अंदर इसी लोकल स्कोप के अंदर रहता है, बट ये जो लेट से आप लोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका आप दो बार एक्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ECMAScript 6, और ECMAScript 6 के अंदर आपके पास क्लासेस भी आ गए थे, और काफ़ी चीज़ें हैं जो आप गूगल कर सकते हैं, मतलब कुछ फीचर्स हैं जो कि ऐड किए गए थे, काफ़ी यूजफुल फीचर्स, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ एक, चलो मुझे एक्चुअली बार यूज़ करने की आदत है काफ़ी, तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने आपको ये सिक्स पर शिफ्ट करने के लिए। सो लेट कार्ड्स कंटेनर बनाते हैं, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, बट मैं एक मतलब सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर वही नेम रख रहा हूँ और ये कोडिंग स्टैंडर्ड दिया है, ठीक है। कार्ड्स कंटेनर इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट बेसिकली आपका ये जो पूरा है ना, ये जो पहले व्हाइट ब्लैंक स्क्रीन थी या जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इसके अंदर, ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और ये आप डॉम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, जब आप नोड जेस करेंगे ना कल, तो उसके अंदर आपके पास ये डॉक्यूमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ क्लाइंट साइड के लिए होता है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट डॉट के अंदर हमारे पास काफी चीजें आती हैं, लाइक क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। अब मैं क्रिएट एलिमेंट कर रहा हूँ डिव, ठीक है। अब मैं जो कार्ड कार्ड्स कंटेनर है मेरा, उसके अंदर मैं कार्ड्स कंटेनर डॉट क्लास नेम, क्लास नेम से क्या होता है कि आप ये जो क्लास है ना, एक्चुअली यहाँ पर क्लास नेम हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो क्लास जावास्क्रिप्ट में एक अपना कीवर्ड है, ठीक है, रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो इस वजह से हम ये इसके अंदर खाली क्लास नहीं करते, क्लास नेम होता है, ठीक है। बट इसका मतलब ही होता है जो आपके पास HTML के अंदर क्लास होता है, राइट। सो कार्ड्स कंटेनर, ठीक है, कार्ड्स कंटेनर, देन हम लोग क्रिएट करेंगे एक कार्ड, क्रिएट करेंगे लेट कार्ड इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, एक मिनट इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर अब कार्ड के अंदर दो चिल्ड्रन है इमेज, ठीक है, देन हम इमेज को क्रिएट कर देते हैं डिवीजन, ठीक
तो ये हो गया एंड इमेज का अपना जो कंपोनेंट है वो इमेज इमेज इसके थ्रू आप सिर्फ क्लास में नहीं इसका बल्कि जो सोर्स है ठीक है या जो अल्टर वैल्यू है एएलटी अल्ट ठीक है ये भी आप इसके थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं लाइक एसआरसी इज इक्वल्स टू अल्ट वैल्यू को मैं फिलहाल एडिट नहीं कर रहा फॉर्चुनेट ठीक है H2 हम लोगों ने यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स क्रिएट कर दिए जितने भी कार्ड के अंदर थे ठीक है डॉक्यूमेंट और क्रिएट एलिमेंट्स है ठीक है उनको क्लासेस के असाइन कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनको मतलब जो बेसिकली पेरेंट और चाइल्ड का डिफरेंस आपको पता है ना पेरेंट चाइल्ड क्या होता है एचटीएमएल के बारे में यू आर सेइंग के अब बेसिक्स क्लियर है। सो अब जो चिल्ड्रन है वो मतलब जो हायरार्किकल मैनर के अंदर वो अपेंड करते जाएंगे ठीक है। सबसे पहले जो छोटा छोटे से छोटा चिल्ड्रन होगा वो उसके पेरेंट को अपेंड होगा ठीक है देन उसका पेरेंट जिसका चाइल्ड होगा वो उसके पेरेंट को अपेंड होगा। तो इस तरीके से हायरार्किकल मैनर में हम लोग चलेंगे चलेंगे ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड कंटेंट डॉट पेंड चाइल्ड हेडिंग ठीक है कंटेंट डॉट अपेंड चाइल्ड पैराग्राफ चलिए हाँ ठीक है देन हम लोग क्या करेंगे अब कंटेंट हो गया देन हमारे पास इमेज है इमेज टैग जो है ठीक है img ठीक है ये बात इमेज डॉट अपेंड इमेज राइट देन हम लोग कार्ड के अंदर अपेंड करते हैं कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड का सॉरी 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 कंटेंट के अंदर हमें अपेंड करना है कंटेंट के अंदर हमें अपेंड करना है क्या हेडिंग कंफ्यूज हो गया सॉरी सॉरी कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड कंटेंट इससे पहले कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड इमेज ठीक है। अब ये जो कार्ड है उसको कार्ड डॉट अपेंड सॉरी जो कार्ड का कंटेनर है कार्ड कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड करेंगे हम लोग कार्ड ठीक है। अभी यहाँ पर शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने जो जो कार्ड कंटेनर है वो अभी हमने बॉडी के अंदर अपेंड ही नहीं किया ठीक है। सो
यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ऐसी बाकी सब डिलीट करता हूँ मैं। हाँ डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पर मैं इसको आईडी दे देता हूँ कार्ड्स के अंदर। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इट हम यहाँ पर इसको गेट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी कार्ड्स के अंदर। हाँ अब इसके अंदर जो हमने कंटेंट तो डालेंगे हेडिंग डॉट एचटीएमएल टाइटल वन ठीक है, पैरा डॉट एचटीएमएल इक्वल्स टू यूआरएल सॉरी जैसी और कार्ड बन गया। समझ आए यहाँ तक आप लोगों को? हेलो 50% क्या समझ नहीं आया मुझे आपको सर। चलो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि हमारे पास लास्ट में क्यूए सेशन भी होगा ठीक है, उसके अंदर आपकी मैं काफी डिफिकल्टीज जो है वो या जो आपके क्वेश्चन है तो दूर कर दूंगा, और मैं पर्सनली भी हर टाइम अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। आप लिंक वगैरह पर व्हाट्सएप पर कंटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आया तो ठीक है। सो अब यहाँ पर तो हमने खाली एक का क्रिएट किया ठीक है, अब हम आपके साथ में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ठीक है, जैसे हम कहते हैं जेसॉन। जेसॉन क्या होता है? जेसॉन बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्ट होता है ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी ठीक है क्लास, उसके अंदर होता है बिल्कुल वो एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की तरह हमारे पास काम करता है ठीक है। उसका नेम होता है, उसके अंदर हम लोग इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोग उसकी डिस्क्रिप्शन मेटा डेटा एवरीथिंग स्टोर कर सकते हैं राइट। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक मतलब ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, क्लास से प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें एक सेपरेटली एक ऑब्जेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिसको हम जेसॉन कहते हैं ठीक है। जेसॉन को आप मतलब सिंपली क्रिएट करेंगे लाइक डेटा इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट के अंदर आप स्टोर करते हैं। यस कह रहा था कुछ? यस ऐसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन ठीक है, इसका फुल फॉर्म है जेसॉन का। सो बेसिकली जेसॉन के अंदर हम लोग जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर करते हैं, लाइक अगर आप लोगों ने डीएसए पढ़ी हो ठीक है, डीएसए में आपके पास जावा में हैश मैप्स होता है ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आप इसको रिजेंबल कर सकते हैं उसके साथ। लाइक अब ये जो कार्ड बनाया ना मैंने, अब कार्ड का टाइटल है वो मैं इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ लाइक टाइटल टाइटल कैरेक्टर्स का लाइक वेरिएबल में अपना नाम लिख सकता हूँ ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन इसकी क्या हो, एलिमेंट इसको आप अलग करने के लिए एलिमेंट को जिस तरह एरे में अलग करते हैं उसी तरीके से आप कॉमा से यहाँ पर सेपरेट करेंगे। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मैं लिख देता हूँ ठीक है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप, इमेज ऐड इमेज यूआरएल ऐड कर सकते हैं इमेज ठीक है इक्वल्स टू जो डायग्राम पिक्चर रखा है यहाँ से ठीक डिफरेंस दिखाने के लिए आप लोगों को। तो ये आपका जैसा ऑब्जेक्ट है ठीक है, आप उसको देख सकते हैं बिल्कुल मतलब एक
ह्यूमन की तरह आप लोगों ने एक ह्यूमन डिफाइन कर दिया, ठीक है, उसका नेम है, उसके डिस्क्रिप्शन है, उसकी इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर आप इस तरीके से डेटा स्टोर करते हैं। इवन जो आपके नो एसक्यूएल डेटाबेस हैं लाइक मोंगो डीबी, ठीक है, आप इसमें करेंगे कोर्स के अंदर आगे, तो वो नो एसक्यूएल में स्टोर करते हैं। नो एसक्यूएल में बेसिकली इस तरह जेसॉन के अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके, मतलब की वैल्यू पेयर के थ्रू आप उनको एक्सेस करते हैं, ठीक है। टैग अगर मैं यहाँ पर मेरे चैनल में कहाँ पर चाहूँगा, हाँ यहाँ पर हेडिंग हेडिंग है ना, उसका मैंने क्या नाम रखा, डेटा, ठीक है। अब उसको एक्सेस इस तरह से करते हैं कि लाइक उसका ऑब्जेक्ट का नेम डेटा डॉट, अब डॉट के अंदर डॉट के अंदर देखें वही उसके एट्रीब्यूट हमारे पास स्टोर है, जैसे उसके अंदर आपके पास प्राइवेट वैल्यूज होती है या पब्लिक वैल्यूज होती है, क्लास के अंदर उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं टाइटल रखता हूँ, ठीक है, टाइटल, एंड यहाँ से मैं उसको मिटा कर डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन इमेज की जगह पर मैं डेटा डॉट इमेज कर दूँ, तो देखो क्या होता है, ठीक, ये सारी चीजें आ गई, समझ आया जैसे आप लोगों को। रिस्पॉन्स क्यों नहीं करे यार आप लोग, प्लीज रिस्पॉन्स करें ताकि इसको बेटर कर सकते हैं। बेसिकली मेरा भी फर्स्ट बुक है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत नर्वस हो, प्लीज थोड़ा बहुत आप लोग फीडबैक दें, कैसा फील हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं ऐसे बोलता जा रहा हूँ, प्लीज 50%। तो एक्चुअली हमें थोड़ा जो पेस है वो फास्ट रखना पड़ रहा है, ठीक है, फास्ट बिल्कुल फास्ट भी नहीं, मतलब एक नॉर्मल पेस रखना पड़ रहा है, तो डेट्स व्हाई शायद जो बिल्कुल न्यूबीज हैं उनको हो सकता है कन्फ्यूजन हो काफ़ी। सो आप लोग मतलब बेझिझक मुझे व्हाट्सएप पर भी SMS कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप SC Community के ग्रुप से मेरा नंबर निकाल कर मुझे वहाँ पर मैसेज कर दें, लिंक्डइन पर कर दें, फेसबुक पर, कहीं भी, ठीक है, मैं कहीं भी आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं अगर स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैं आपको डिस्क्राइब अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, बिकॉज मैं टेक्निकल राइटर भी हूँ। एंड ओके, सो ये समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है, इस तरह से आप लोग मल्टीपल कार्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लूप्स लगा कर या इस तरह से, तो ये आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है, अगर नहीं आ रहा आप लोगों को तो फिर मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें, मैं आपको समझा दूंगा। यार टिप्स फॉर राइटिंग क्लीन कोड, ठीक है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका जो कोड है ना, वो कोड बेसिकली लिखा कम जाता है, पढ़ा ज़्यादा जाता है, ठीक है, आपका जो कोड है वो आप अभी लेकर लाइक अभी अगर आप लोग ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ओपन सोर्स बेसिकली वो कोड होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जब जिसका कोड आपका जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, ठीक है, GitHub या GitLab जैसे वेबसाइट्स पर, तो उसको आप ओपन सोर्स कहते हैं, ठीक है। आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनता कैसे, उसमें दुनिया के मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, आप लोगों में से भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स होंगे, मैं खुद भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है, हमारे पास इवेंट्स होते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के, लाइक हैकथॉन्स वगैरह, सो हाँ ओपन सोर्स ही होता है, ठीक है, सिर्फ ओपन सोर्स ही नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप लिख रहे हैं, ठीक है, इधर यू आर अ फ्रीलांसर, ठीक है, तब भी जो आप चीज़ बनाते हैं ना तो वो पढ़ने जैसी हो, ठीक है, सामने वाले को समझ आए, क्योंकि प्रोग्रामिंग वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स अल्गोरिदम होते हैं, अब उनको समझने के लिए आप जो वेरिएबल्स हैं उनके नेम्स जो वो सही रखें, ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पर मैंने वेरिएबल नेम्स रखे हैं वो वही रखे हैं जहाँ पर मैंने क्लासेज हैं, ठीक है, सो जो ये कोड है वो शायद मैं गिटहब पे मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगा, ठीक है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये कार्ड्स का कंटेनर है, ठीक है, और ये कार्ड का एलिमेंट है, ये उसकी इमेज है, ये उसका इमेज का टैग है, ठीक है, ये उसका कंटेंट है, ये उसकी हेडिंग पैराग्राफ वगैरह वगैरह, ठीक है, सो ये चीज़ है। देन हमारे पास एक और जो मैं पर्सनल आपको टिप देना चाहूँगा, दो तरह के प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि फंक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है, फंक्शन
एक होते हैं जो इस तरह से ब्रैकेट को ऊपर रखते हैं, ठीक है, एक होते हैं जो इस तरीके से करता है। अब जो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा वो यही कहूंगा कि आप उसको इस तरह से रखते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा लाइन ऑफ कोड होती है ना तो उसको पढ़ने का दिल नहीं करता। अब आप खाली एक लाइन इस ब्रैकेट की वजह से जाया करते, तो इस तरह से हमारे पास कितने ब्लॉक्स होते हैं, कितने फंक्शंस होते हैं एक किसी एक वेबसाइट में या किसी सॉफ्टवेयर में। तो ये आप कोशिश किया करें कि आपका जो कोड है वो जितना शॉर्ट होगा ना उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अपने कोड को शॉर्ट रखा करें, एल्गोरिदम्स यूज़ करें, छोटे छोटे बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करें, एंड इस तरह से करें, ठीक है। तो ये टिप्स है। और दूसरी बात, अपने कोड को कमेंट आउट कर दिया करें, ठीक है, कमेंट चूज किया करें। सॉरी, वैसे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, कैन यू प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स? वैसे ओ यस यस, केमिल केस। हाँ, केमिल केस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। केमिल केस बेसिकली क्या होता है, अब मुझे कैसे पता चले कि मतलब कोई भी लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चले कि ये, हाँ, ये क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है, जो आप फंक्शन होते हैं ना आपके, लाइक फंक्शन है, फंक्शन राइट नेम, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीका ये है फंक्शन को डिफाइन करने का, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल, उसके बाद जितने वर्ड्स हैं उनका जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, समझ गए बात? ये इसको कहा जाता है, हम लोग कैमल केस कहते हैं, ठीक है, लोअर कैमल केस इसको कहा जाता है। देन वी हैव अपर कैमल केस, ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं क्लासेस के लिए, ठीक है। जब आप क्लास लिखते हैं ना कोई भी, तो क्लास को डिफाइन करने के लिए आप इस तरीके से लिखते हैं, मतलब अपर कैमल केस के अंदर लिखते हैं, मतलब हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल रहता है, ठीक है। देन वेरिएबल्स के लिए, वेरिएबल्स में आप ये जो अंडर स्कोर है ये यूज किया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं वाला पार्ट एंड कंटेनर को जिस तरीके से मैं सेपरेट कर रहा हूँ, और जो बाकी लेटर्स हैं वो सारे के सारे आपके स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। अंडरस्टूड एनी अदर टिप्स आपके पास कोई हो? हाँ, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन बेसिकली इसका ECMAScript 6 का आपके पास एक फीचर है, लाइक मैं कोई भी तो मैं छोटी मोटी वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं बड़ा फंक्शन टाइप करूँ तो मतलब वो सही बात नहीं है, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन चूज करते हैं। लाइक उसका मैं एग्जाम्पल आपको इस तरीके से देता हूँ कि सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, सेट टाइम आउट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ये कॉल बैक फंक्शन यूज कर रहा हूँ। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, अभी तक आप लोगों ने जो दूसरी स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस थी, जावा, C++, जावा के अंदर तो फिर भी लैम्डा फंक्शन था, आई डोंट नो अबाउट C++ के अंदर होता है या नहीं। तो उसमें आप एरो फंक्शंस की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं थी, बट जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है लाइक जावा स्क्रिप्ट हो गई, या हमारे पास पाइथन है, पाइथन का मुझे नहीं पता उसमें एरो है या नहीं है, बाकी डार्ट के अंदर हमारे पास है एरो फंक्शन, ठीक है। सो एरो फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। अब इसके जो पैरामीटर्स है इसके अंदर एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ इस तरह से, ठीक है। और ये जो एरो है ना, इसका मतलब है कि ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब जो वन लाइनर फंक्शन होते हैं ना वो, इसको हम लोग एरो फंक्शन कहते हैं। लाइक मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर कुछ भी कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है। देन यहाँ पर जो है मैं अगर 1 मिली सेकेंड का वेट कर सकता हूँ उसको, ठीक है, दूसरा एलियो करने के लिए। लाइक मैं यहाँ पर करता हूँ हेलो वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, एंड गुड बाय वर्ल्ड, ठीक
कौन सा मस्त आ रहा है अभी? मतलब किस तरीके से यूज होता है सेट अमाउंट? मतलब यहाँ पर हम लोग कोई इवेंट्स वगैरह काम नहीं कर रहे, तो उसी वजह से शायद सेट टाइम आउट काम नहीं कर रहा। बट मतलब जब आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाते हैं, लाइक फॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर हम लोग ये जो फंक्शन है ना, इस तरीके से काम करते हैं। एक्चुअली जो मेन मेरा मकसद था ना, वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक्सप्लेन करना था, जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज में आएगा। यही है कि आप अपने कोड को जब वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया करें, ठीक है। एंड देन वी हैव टाइम आउट का जगह हमारा, पेस को अपने फास्ट करते हैं, ठीक है, बेटर यूजर एक्सपीरियंस। अब इसके लिए मतलब आपको मैं टिप्स दूंगा ना, ये अगर आप लोग फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाह रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। या आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में प्रोग्रामर बन रहे हैं, या आप सिग्मा प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टिप्स आपके लिए है। कीप द एनवायरमेंट क्लियर टू मी, ठीक है, चीज़ों को क्लीन रखा करें ज़्यादा, जो है ना, मतलब पता कोई मतलब लोग बोलते हैं कि यार खाली खाली लग रहा है, इसको भर देता है, तो ये आदत अपने आप में से निकालें, ठीक है। मतलब जो जितनी जरूरत हो उतना ही रखना है, ठीक है, एक न्याना रवि अख्तियार करनी है आप लोगों को, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो, सब कुछ आराम से नजर आ रहा हो, ठीक है। यूज लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपअप्स, पॉपअप्स कौन से आते हैं हमारे पास, मतलब अलर्ट्स हो गए, ठीक है, आते रहते हैं ना वेबसाइट्स पर काफ़ी, मतलब जो अजीब अजीब होते हैं, वहाँ पर अचानक एडवर्टाइजमेंट आती है या इस तरीके से, ठीक है, पॉपअप्स आते हैं, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब करते हैं, तो इन चीज़ों को मतलब अवॉइड किया करें। डोंट यूज अलर्ट। अलर्ट क्या है? अलर्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। इसके अंदर मैं करता हूँ अलर्ट हेलो, देखिए ये ऊपर एक आ गया मैसेज अलर्ट के अंदर, आप देखा होंगे काफी वेबसाइट ऐसा करके, आपने म्यूट की वेबसाइट पर भी देखा होगा, ये चीज होती है कि अलर्ट अलर्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसको अवॉइड क्या करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कोशिश करें कि आप लोग तो अपने कस्टम अलर्ट बॉक्स बनाए, ठीक है, वो यूज कर लिया करें, बट इस तरीके से अलर्ट यूज करना, ये मतलब आपकी जो डेवलपमेंट फेज है उसके अंदर तो ठीक है, बट जो प्रोडक्शन फेज मतलब रिलीज के बाद, ये चीज़ अच्छी नहीं है। यूज एडिक्वेट फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या होता है? फॉन्ट वेट आपका जो मतलब कितनी बोल्ड, कितना बोल्ड है फॉन्ट, ठीक है, तो उसको आप देखा करें, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पर भी एग्जाम्पल दो, लाइक मेरी पर्सनल वेबसाइट है, ठीक है, इसके अंदर आप फॉन्ट वेट देखें तो हर चीज़ जो है ना वो मैनेज है, लाइक नए बार है, इसके अंदर मैंने फॉन्ट वेट उतना ही रखा है ताकि मुझे यहाँ से दूर से क्लियर नजर भी है और ज्यादा मतलब ओवर ना लगे चीज, ठीक है, मतलब एक क्लीन चीज रहनी चाहिए आपकी, हर चीज क्लियरली विजिबल हो, राइट। सो देन वी हैव कीप योर कंटेंट प्रिसाइज, ठीक है, लंबी लंबी चीजें पढ़ने की मुझे तो पर्सनली बिल्कुल आदत नहीं है, ठीक है, शॉर्ट रखें अपने कंटेंट को, मतलब टू द पॉइंट रहा करें, ठीक है, ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो, आपके जो क्लाइंट्स हैं, आप जो विजिटर्स हैं कुछ भी, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट पर टाइम स्पेंड करें। देन हमारे पास एवरीथिंग इन एक्सेस इज बैड, ठीक है, कुछ भी आप एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़राब है, ठीक है। लाइक जैसे मैंने अलर्ट्स का वो बताया, पॉपअप्स का बताया, ठीक है, फॉन्ट वेट बताया, अगर आप हद से ज़्यादा इमेजेस यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बेकार है, ठीक है, हद से ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बेकार है, मतलब एक नॉर्मल हर चीज रखा करें, ठीक है। काफी बार तो ऐसा करते हैं शेडो रख दिया, ठीक है, अब जो नेविगेशन बार का शेडो है, ठीक है, नेव बार का शेडो आप उतना रखें जितना मतलब जितनी जरूरत हो, ठीक है, बट अगर मैं उसको इतना रख दूंगा कि मुझे यहाँ पर नीचे कंटेंट पढ़ने में डिफिकल्टी हो, तो ये चीज मतलब जो है ना सही नहीं है। ओके, सो एवरीथिंग इन एक्सेस इज बैड। देन वी हैव ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन है किसी को?
या फिर डायरेक्ट हम लोग आगे जाकर क्यूए सेशन में सब डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे मैं आपको एसईओ का बताऊंगा, एसईओ की टिप्स कुछ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? एसईओ काफी आपने सुना होगा, मतलब बहुत ही डिमांडिंग सर्विस है, ठीक है। लोग कोड तो कर देते हैं, वेबसाइट बना देते हैं, अच्छे डिजाइन अट्रैक्टिव होगी, मतलब उसको आपको अगर बेचना है, ठीक है, मार्केट के अंदर आपको उसको टॉप पर लेकर आना है। लाइक अगर मैं गूगल पर सर्च करूँ तो वो टॉप टॉप रिजल्ट को उसका मतलब जो रिजल्ट है तो उसको कहते हैं आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि मतलब उस चीज़ को आप बेस्ट यूज निकालें, टारगेट पॉइंट्स फॉर एसईओ। वही वसी आपका क्वेश्चन, मेटा टैग्स किस लिए होते हैं? आपके एसईओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मतलब मेन जो उसका यूज होता है वो एसईओ के अंदर, और जो आपका गूगल सर्च में रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर उसमें मेटा के जो जो आप उसके अंदर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं या वो मैं दिखाता हूँ कोड में आपको, ठीक है। हेडिंग टैग्स, अब जो हेडिंग टैग्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक जो स्टार्ट में आपको मैंने टाइटल का टैग दिखाया फॉर चेंजिंग दिस डॉक्यूमेंट टू वेब स्टार, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, ठीक है। जो आप लाइक सर्च करते हैं ना, मैं यहाँ पर अगर सर्च करूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ कुछ सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर इस रिजल्ट को देखें तो ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल शो कर रहा है। इसके अंदर ये जो लिंक शो हो रहा है ना, ये बेसिकली उसका टाइटल है, जो ये वाला टाइटल है ना, आप इसको देखें, सी वही टाइटल यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन, अब ये डिस्क्रिप्शन आप कहाँ पर रखते हैं? ये डिस्क्रिप्शन आपकी होती है यहाँ पर, मेटा नेम है यहाँ पर, आप हम लोग मेटा टैग क्रिएट करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो भी लिखते हैं, लाइक लॉरम इप्सम कुछ भी कर दें, या लाइक ये वेबसाइट, ये हमने क्यों बनाया, दिस इज फॉर दी लर्निंग पर्पज, ठीक है। इसके अंदर आप अपने कीवर्ड्स ऐड करें, लाइक वेब स्टार, लर्न स्टेट वगैरह कुछ भी आप इसके अंदर ऐड कर दें तो वो आपका यहाँ पर शो होता है। और ये जब जो सर्च इंजन है ना, वो सर्च इंजन काम इस तरह से करती है कि उसके वेब क्रॉलर्स होते हैं, ठीक है। वेब क्रॉलर क्या होता है कि मैं आपके आंसर अभी क्वेश्चन पे आता हूँ। वेब क्रॉलर क्या होता है कि मतलब कोई भी वेबसाइट है ना, ठीक है, मैं उस अपने क्रॉलर अपने बॉट को वो लिंक प्रोवाइड करूँगा, उससे वो क्या करेगा कि सारा का सारा डेटा है ना, सारा का सारा डेटा जितनी भी उसके एचटीएमएल वगैरह है वो सब कुछ फेच करके मेरे पास जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर से मैं डेटा को फिल्टर करूँगा या मतलब इस तरह का, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट जो है ना वो क्रॉल होती है। अब क्रॉलर जरूर ह्यूमन प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसमें जरूर कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं, कुछ उसके रूल्स हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करना है, तो फोकस करते हैं इन चीज़ों पर, लाइक जो मेटा टैग्स हैं, ठीक है। ये जो व्यू पोर्ट है, ये व्यू पोर्ट की भी एक इंपॉर्टेंस है। लाइक अगर आप मोबाइल पर सर्च करेंगे ना फेसबुक, तो आपके पास m.facebook खुलेगा, ठीक है। आप अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप वगैरह पर किसी पर सर्च करेंगे ना, तो आपका web.facebook खुलेगा। इसका रीजन ये होता है आपका ये जो ये वाला जो मेटा टैग है ना व्यू पोर्ट, इसका जो इनिशियल स्केल वगैरह, ये बिट टू डिवाइस बिट, ठीक है, इसको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। देन वी हैव दिस डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास आ जाते हैं कीवर्ड्स का मेटा टैग होता है मेटा कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड्स में आप कुछ भी लिख देना है, ठीक है, रिएक्ट वेब स्टार SES कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मेटा टैग्स का यूज ये होता है। दूसरा हमारे पास ये टाइटल, टाइटल की इंपॉर्टेंस आपको मैंने बताई। देन वी हैव द H1 H2 H3 ये जो H6 तक हमारे पास टैग्स हैं, ठीक है, पता आपको सबको होंगे HTML के टैग्स, बट इनके अंदर मतलब आपका SEO छुपा होता है, ठीक है। ये H1 टैग है ना, आप कोशिश किया करें कि एक ही बार यूज करें अपने उसके अंदर जो आर्टिकल है उसके अंदर एक ही बार आप यूज करें, ठीक है, क्योंकि जो आर्टिकल का टाइटल है वो मतलब H1 होता है, ठीक है, गूगल उसको
मतलब उसका आर्टिकल का टाइटल, जैसे आर्टिकल्स टाइटल उसको सपोर्ट करता है, सपोज करता है, समझ रहे आप मेरी बात को? देन H2, H3, H4, H5, H6, ये सारे के सारे अपने जो प्रायोरिटी है बेसिकली ये उसकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है कि मतलब आप जो किस टैग में कौन सी चीज रख रहे हैं, ठीक है? मतलब जो ज्यादा एक्सेस में आप चीजें यूज कर रहे हैं वो आप छोटे टैग्स में रखें, जो यूनिक चीजें हैं जो मतलब मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोग बड़े टैग्स में रखें, लाइक H1, H2, H3 इन टैग्स में रखें, बाकी छोटी हैं वो H5, H6, H4 इन में रखें, ठीक है? देन एक और चीज सिमेंटिक टैग्स। अब यहाँ पर देखिए मैंने डिव यूज किया हुआ है हर जगह पर, ठीक है? अब डिव यूज करना ठीक है, बट सॉरी, जो सिमेंटिक टैग्स हमारे पास क्या होते हैं, सिमेंटिक टैग्स बेसिकली यहाँ पर देखो मैंने डिव यूज किया हुआ है हर जगह पर, ठीक है? यहाँ पर मैंने हर जगह डिव 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 क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? बट जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं ना, बड़ी होती है वेबसाइट लाइक ये, ठीक है? अब इसके अंदर मैं इसको जो है वो नहीं, अब भी नॉइज आ रहा है, क्या नॉइज आ रहा है अभी, आ रहा है? या बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है अभी। अच्छा, एक मिनट यार। ठीक है, हाँ, ओके। ओके। सो सिमेंटिक टैग्स बेसिकली क्या होते हैं कि आप लाइक उसके अंदर आर्टिकल, ठीक है, आप हर चीज को डिफाइन करते हैं हर टैग के अंदर कि अच्छा ये आर्टिकल है, ठीक है, ये नेविगेशन बार है, ठीक है, और ये हमारे पास हेडर है, और ये हमारे पास फुटर है, मतलब हर चीज आप जो है ना डिस्क्राइब करते हैं टैग्स के अंदर ही, ठीक है? और ये टैग्स ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, आप कोई मतलब और एडिशनल यूज नहीं कर सकते लाइक अपने उसके हिसाब से, ठीक है? सो इसी तरीके से रखते हैं सेमेंटिक टैग्स को। देन पर्सनल एडवाइसेस, पर्सनल एडवाइसेस यही हैं जो मतलब आपको मैं कब से दे रहा हूँ, लाइक एसईओ की और जो यूआई यूएक्स टिप्स हैं, ठीक है? और जो लर्निंग का पाथवे यही है कि आप मतलब जो है ना अपने मेंटर्स जो हैं मेंटर्स को अप्रोच करें, ठीक है? आप मीडियम पर अपना टाइम स्पेंड करें, ठीक है? medium.com पर काफ़ी यूजफुल टिप्स मिल जाती हैं, ठीक है? और एक चीज़ और, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, ठीक है? स्टिल मैं क्लाइंट्स के साथ डील्स कर रहा हूँ या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा हूँ विदाउट एनी सर्टिफिकेट। तो फालतू सर्टिफिकेट्स के पीछे भागना, ठीक है, लिंक्डइन पोस्टिंग के पीछे भागना, शो ऑफ करना, इस चीज़ से जो है आप थोड़ा सा अपने आप को दूर करें, ठीक है? तो बेहतर ये है कि आप अपने स्किल्स पर फोकस करें, ठीक है? आप जो है जो कोर्स के थ्रू कर सकते हैं वही यूट्यूब वीडियोस और पढ़ा हुआ है, ठीक है? बट एक यूट्यूब वीडियो देख ली उसका मतलब आप ये ना समझे कि आपको वो चीज़ आ गई, ठीक है? टाइम लगता है, ठीक है, चीज़ें टाइम लेती है। अब यहाँ पर बैठकर मैं आपको मतलब हर चीज़ डिस्क्राइब करता जाऊँ तो उससे आपको हर चीज़ आ नहीं जाएगी जब तक आप खुद वो प्रैक्टिस नहीं करते, आपके पास एरर्स नहीं आते हैं, ठीक है? इस तरह से मतलब चलता है काम, तो आपको मतलब टाइम लगता है सीखने में। तो हर चीज़ को ऐसे लिख देना हर जगह और पोस्टिंग वगैरह करना इस चीज़ से अवॉइड करें, ठीक है? जिस दिन आप शो ऑफ से हटेंगे ना उस दिन मतलब आपको वाकई आपके अंदर एक प्रोग्रेस नजर आएगी, ठीक है? सो चीज़ ये है कि आप जो अपने स्किल्स पर फोकस करें रदर देन दी सर्टिफिकेट्स। ये मतलब सर्टिफिकेट्स में ना टाइप्स होता है, कुछ कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, जिनकी वैल्यू नहीं होती। अगर आप मेरे पास वो सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तो मैं उसको मान ही नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर ना कोई वेरिफिकेशन कोड है, ना उसकी कहीं पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, ना कुछ। सो बेहतर यही है कि आप जो सर्टिफिकेशन है सर्टिफिकेशन लें, एजर की सर्टिफिकेशन है, ठीक है, CCNA है, या इस तरीके की सर्टिफिकेशन जो वैल्यूएबल हो। बट गोइंग फॉर दिस ऑनलाइन इंटर्नशिप्स अनपेड, ठीक है, ये किसी काम की नहीं है। सेम
वही चीजें होती हैं। ठीक है, तो पर्सनल एडवाइस मेरी यही है कि आप अपने स्किल्स पर थोड़ा सा फोकस करें। ओके देन क्यूए सेशन, ठीक है जल्दी से एक क्यूए सेशन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हमारे पास एक क्विज है, देन आपको मैं समझा देता हूँ कि आपकी जो असाइनमेंट्स होंगे वो आप किस तरीके से सबमिट करेंगे। ओके सो इज एनिमेशन गुड फॉर यूएक्स और नॉट? ठीक है, एनिमेशन अच्छे हैं, ठीक है यूज करें आपका वेब जो इंटरेक्टिव होता है, बट आप ये देखें कि आपकी जो वेबसाइट है उसका थीम क्या है, ठीक है उसकी फंक्शनलिटी कितनी है, क्या उसके अंदर एनिमेशन यूज करने से वो मतलब अपने अपना जो उसका कह सकते हैं कि एसेंस है वो खराब तो नहीं हो रहा है, उसका जो एसेंस है वो खराब तो नहीं हो रहा। ठीक है देन यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेस के अंदर कोई भी चीज यूज करना सॉरी गाइस, सो यही कि एनीथिंग इन एक्सेस, ठीक है वो ख़राब है, आप मतलब एक्सेस में कोई भी चीज़ यूज ना करें, भले एनिमेशन हो या कुछ भी हो। ठीक है देन वी हैव हाउ मच नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट टू इट्स फ्रेमवर्क? नसीर, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जो है ना, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्मास्क्रिप्ट, इन चीज़ों पर आप अपनी जो ग्रिप है ना वो फुल रखें। ठीक है जावास्क्रिप्ट पर अपनी मतलब एक अच्छी ग्रिप रखें, ठीक है लाइक और जो आपका प्रोग्रामिंग का लॉजिक है वो अच्छा होना चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट बड़ी वास्ट लैंग्वेज है, ठीक है इसमें लूप्स के टाइप इतने हैं कि पूरे मुझे ही नहीं पता है कितने टाइप्स हैं। ठीक है बड़ी वास्ट लैंग्वेज है और अजीब गरीब किस्म की लैंग्वेज है, पता नहीं चलता कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है तो अपनी इसके अंदर ग्रिप इस हिसाब से अच्छी रखें। ठीक है अब ये इसका डिपेंड करता है कौन सा फ्रेमवर्क है, कौन सी लाइब्रेरी है। ठीक है अब जैसे जेक्वेरी ले लें आप, जेक्वेरी के अंदर सिंपल फंक्शंस होते हैं, सिलेक्टर्स होते हैं, वो यूज करके आप उस चीज को एनिमेट कर सकते हैं, या जो डॉम है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है आपकी रिलेटिवली। ठीक है बट अगर रिएक्ट को देखें, रिएक्ट में आपके पास रेंडरिंग आ जाती है, स्टेट मैनेजमेंट आ जाती है, फिर उसके उसके लिए दूसरे टूल्स आ जाते हैं हमारे पास, जैसे रेडक्स हो गया लाइक, या फिर दूसरे फ्रेमवर्क टेलविंड हो गए, ऐसी चीजें आ जाती हैं। ठीक है तो वो डिपेंड करता है, बट आपकी जो जावास्क्रिप्ट में जो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है ना, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को आप अपना स्ट्रॉन्ग रखें। देन वसी वर्चुअल डॉम, यार वर्चुअल डॉम एक्चुअली रिएक्ट का टॉपिक है, ठीक है ये इस सेशन के लिए है तो नहीं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वर्चुअल डॉम बेसिकली लाइट वेट डॉम होती है। ठीक है हम लोग ये जो डॉम यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये जब भी आपका पेज रिफ्रेश होता है तो पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश होता है, हर चीज चेंज मतलब हर चीज चेक होती है। ठीक है बट जो वर्चुअल डॉम होता है ना वो एक्चुअली एक ब्रिज की तरह काम करता है आपका। ठीक है रिएक्ट के अंदर जो लाइट वेट डॉम होता है पहले वो चेंज होता है, ठीक है फिर वो मतलब वो कंपेयर करते हैं पुरानी स्टेट के साथ, फिर जहां पर मतलब चेंज हो रहा होता है ना वही चीज आप लोग ओरिजिनल डॉम के अंदर जाकर चेंज करते हैं, तो ये इसकी एक मतलब परफॉर्मेंस के अंदर एक हमारे पास क्या कहते हैं एक बेनिफिट होता है, ऑप्टिमाइजेशन होती है। एनी अदर क्वेश्चन? एस पी ए वॉट इज दिस? सॉरी यार मैं इसको गेट नहीं कर पा रहा, कैन यू प्लीज राइट इट्स फुल फॉर्म? एनीवन अवेलेबल है कोई? वेट अ मिनट,
एक क्विज कंडक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है? छोटा सा काउट पर हमने बनाया था, तो कश्यप अभी शेयर कर लेंगे आपके साथ। और ये एक जो असाइनमेंट्स है आपकी, असाइनमेंट्स आप इस तरीके से सबमिट करेंगे कि ये हमारी रिपोजिटरी है, ठीक है, गिटहब की, ACS Mute की ऑर्गेनाइजेशन बनाई हमने, उसके अंदर हमने रिपोजिटरी बनाई वेब स्टार के नाम से, ठीक है? अब इसके अंदर मैंने असाइनमेंट डे वन के अंदर एक PDF फाइल रख दी है, ठीक है? आपने क्या करना है कि इसको पहले आपने फॉर्क करना है, ठीक है? ये दबाकर आप जब इसको फॉर्क करेंगे ना, तो आपकी प्रोफाइल के अंदर एक इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? देन उसके बाद आप क्या करें कि जो आप करेंगे ना, मतलब असाइनमेंट आपका सॉल्व करके जितने भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी आप उसके अंदर पुश करते हैं, ठीक है? देन उसका हम लोग एक गूगल क्लासरूम का जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं लिंक, या फिर उसका कोड है। देन वहां पर जो है ना, आप उसका जो रिपोजिटरी आप भेजोगे उसको पब्लिक करके आप उसका लिंक हमें वहां पर दे देंगे, ठीक है? इस तरह अगर आपको समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कैसे करना है। आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो ये होंगी। ठीक है, ये असाइनमेंट हो गया। आपने आपने जो ना ये कंसोल पर प्रिंट नहीं करना, ये डॉम के थ्रू, ये जो इसकी जो मेन स्क्रीन है ना व्हाइट वाली, यहाँ पर आपने ये दो पैटर्न से ये दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने प्रिंट करवाने होंगे। बट आपकी स्क्रीन जो है वो शो नहीं हो रही। ठीक ओ सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू मोहित। अब विजिबल जी। है, ठीक है? ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है? मैं बता ये रहा था कि हमारी ये जो आपके साथ लिंक हमने शेयर किया है एक रिपोजिटरी का, ठीक है? इस रिपोजिटरी को आपने क्या करना है कि यहाँ से फॉर्क करना है, ठीक है? जब आप फॉर्क पर दबाएंगे ना, तो आपकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी आपकी अपनी प्रोफाइल के अंदर। देन उसके अंदर आप वो जो जितने जो आप फाइल्स बनाएंगे ना असाइनमेंट की, वो उसके अंदर आप पुश करके, ठीक है? अब जो उस रिपोजिटरी का लिंक होगा ना, वो आप हमें गूगल क्लासरूम पर, एक हम लोगों ने क्लासरूम बनाई है जिसका लिंक आपके साथ शेयर करते हैं हम, तो वहां पर आप उसका लिंक हमें सबमिट कर देंगे, ठीक है? देन उसके हिसाब से मार्किंग होगी एंड आपको आपके जो रिवॉर्ड्स होंगे, जो विनर्स होंगे उनको दिए जाएंगे, ठीक है? ऑल्सो हम अभी एक क्विज कंडक्ट करने वाले हैं, एंड अगर इसके हिसाब से, इसके बारे से कोई भी आपको क्वेश्चन है ना, तो वो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। आप लोग कैसे सबमिशन कैसे करनी है, या मतलब क्या करना है, इनके अंदर कुछ समझना है, तो आई कैन हेल्प यू, ठीक है? तो ये बेसिकली आपने डॉम के थ्रू इसकी जो स्क्रीन है ना व्हाइट कलर की, ब्लैंक स्क्रीन जो होती है, इस पर आपने ये दो पैटर्न्स आपने प्रिंट करवाने हैं, ठीक है? देन एक इमेज गैलरी टाइप की एक चीज बना दीजिएगा, जिसमें मतलब कम से कम 6 इमेजेस हो, ठीक है? जो कि ग्रिड की तरह उसके अंदर विजिबल हो, आपके जो मेन जो स्क्रीन है ना, इसके अंदर एक ग्रिड की तरह आपके पास इमेजेस आपकी विजिबल हो, ठीक है? जैसे कार्ड बनाया था इसी तरीके से सिंपली, बट उसको आपने रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। मीडिया क्यूरीज क्या होती है ये आपको खुद स्टडी करना होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। देन एक छोटा सा HTML फॉर्म बना दें, ठीक है? जिसको आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेट करेंगे, ठीक है? और जो डेटा होगा उस डेटा को, बेहतर यह कि आप उसको अगर जेसॉन में स्टोर करेंगे ना, तो आपके लिए कंसोल पर प्रिंट करना वो थोड़ा बहुत इजी रह जाएगा, ठीक है? तो उसको क्लीन मैनर में आपने कंसोल पर प्रिंट करना है, ठीक है? इज इट क्लियर? सेट नसीर, डेडलाइन कल की है यार, 12 बजे, कल रात 12 बजे तक आपने सबमिट करानी है, क्योंकि फिर दूसरा मतलब ये 3 दिन हमारा बूट कैंप चल रहा है, तो मतलब डेडलाइन का खैर इतना कोई खास मसला नहीं है। आप लोगों को अगर टाइम चाहिए तो कॉपरेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है? इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, बट कोशिश करेंगे कल तक की अगर हो जाएगी तो बेहतर है, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसके मिलेंगे। सो कश्यप, क्विज का लिंक आप सेंड कर दें यहाँ पर।
सॉरी सॉरी, आपको मैंने शायद नहीं भेजा था, एक मिनट एक मिनट, सॉरी। आप लोगों ने अभी ये करना है कि आपने काउट पर जाना है, काउट.com पर, ठीक है। देन वहां पर आप लोगों ने ज्वाइन गेम करनी है, और इसकी जो पिन है यहाँ पर आपके पास विजिबल है, मैं कॉपी करके आपको भेज देता हूँ। यहाँ से बस आप इस लिंक को अगर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। आपका जो यूजर नेम है वो अपनी ईमेल का जो फर्स्ट में एट से पहले वाला होता है ना, लाइक मेरा जैसे Z3614, ठीक है। इस तरीके से आप अपना कोई यूनिक यूजर नेम यहाँ पर लिख दें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो नेम्स के बीच में, क्योंकि नेम्स अक्सर सेम हो जाते हैं लोगों के। सो रूल ये है गेम का कि इसके अंदर आपके पास ट्रू फॉल्स होंगे, ठीक है, क्विज होगा, एंड उस हर क्वेश्चन के अंदर आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स का टाइम होगा कि आप उसको आंसर करें, ठीक है। उस 10 सेकंड्स के अंदर आप लोगों ने वो आंसर करना होगा, वरना वो आगे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लें, ताकि हम लोग स्टार्ट करें, या जल्दी से हो जाए फिर सेशन को एंड करते हैं।
स्टार्ट करें, काफी है इतने। सब ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है? वॉइस क्यों नहीं जान हो रहा आपका? आप यहाँ पर वो तो हो रहे थे पहले। मुझे इस लिंक पर जाए, शायद हो जाए। ठीक है मोहित, आप भी हो गए। सो वी आर स्टार्टिंग। अब जितने भी हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सो वी आर स्टार्टिंग। सो क्वेश्चन 1 इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज यूनिक इन एचटीएमएल एलिमेंट्स? टाई हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट सिंपल ऑब्जेक्ट नोटेशन, ट्रू और फॉल्स? अरे यार, फॉल्स था। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, नॉट जावास्क्रिप्ट सिंपल ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये डबल पॉइंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज अ कॉल बैक फंक्शन? इनमें से मैंने आपको यहाँ पर करवाया था, सेट टाइम आउट, कॉन्सोल डॉट लॉग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। गुड। फॉलोइंग थिंग्स वर इंट्रोड्यूस इन ECMAScript 6, इनमें से कौन सी चीज ECMAScript 6 में इंट्रोड्यूस हुई थी? ये स्प्रेड ऑपरेटर, एरे, वार, या ये सब? स्प्रेड ऑपरेटर मैंने आपको बताया, जो एरे को कॉपी करने के लिए यूज होता था, वो ES6 में हुआ था। अब वार को तो चेंज करने के लिए हम लोगों ने लेट इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, और एरे ऑलरेडी थी। जावास्क्रिप्ट कैन म्यूटेट डॉम, म्यूटेट का मतलब चेंज, डॉम को आप चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ट्रू और फॉल्स? ओके, जिन्होंने फॉल्स किया है उनको बता दूं कि आप लोग डॉम को चेंज कर सकते हैं, जो मैंने कार्ड्स बनाए, ठीक है, जो मैंने सॉरी कार्ड जो बनाया जावास्क्रिप्ट के थ्रू, वो मैं डॉम को चेंज करके तो बना रहा था। डबल पॉइंट्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट यूज्ड फॉर फ्रंट एंड? नेक्स्ट डॉट जेएस, व्यू डॉट जेएस, बूटस्ट्रैप, या नॉन ऑफ दीज? नॉन ऑफ दीज, क्योंकि जो नेक्स्ट डॉट जेएस है वो रिएक्ट के साथ यूज होता है और ये फ्रंट एंड का ही टूल है। व्यू डॉट जेएस फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड का, एंड बूटस्ट्रैप तो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, सो नॉन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बैक एंड डेवलपमेंट? फैचिंग डेटा थ्रू एपीआई, डेटाबेस, मीडिया क्यूरीज, या ये सब? डेटाबेस वॉज द राइट थिंग, क्योंकि फेचिंग डेटा थ्रू एपीआई, जो आप डेटा एपीआई के थ्रू फेच करते हैं, वो तो आप क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट में करते हैं फेच फंक्शन के थ्रू, ठीक है। डेटाबेस सिर्फ जो है उसके अंदर होता है आपका बैकएंड के अंदर,
और जो मीडिया क्यूरीज है वो तो वैसे ही सीएसएस का पार्ट है, जो आप अभी असाइनमेंट में भी यूज करेंगे उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एजर इज द प्रोडक्ट ऑफ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या ओपन सोर्स है? माइक्रोसॉफ्ट वॉज करेक्ट। गूगल की जीसीपी है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो एजर है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट, डबल पॉइंट्स का है। गिटहब होस्ट ओपन सोर्स कोड बट इट इजंट ओपन सोर्स इटसेल्फ, मतलब गिटहब पर ओपन सोर्स कोड तो होस्ट होता है बट वो खुद ओपन सोर्स नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, गिटहब खुद ओपन सोर्स नहीं है, अगर ओपन सोर्स होता तो इस तरह से गिटहब को पायलट की सर्विस बंद ना कर देते। गिटहब एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑन किया हुआ है, पहले जो वो किसी और का था बट अभी माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया 2018 में। कोई विच फाइल इज कंसिडर्ड बाय द सर्वर्स एज द होम पेज? होम पेज कौन सा होता है? फास्ट 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 फास्ट। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। इंडेक्स, जब आप गिटहब पेजेस पर जाकर अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं ना, तो वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ढूंढता है, ठीक है, या कोई भी सर्वर होता है उसमें, मतलब जो स्टैंडर्ड है या कन्वेंशन है वो यही है कि आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही रखते हैं अपने होम पेज को। ओके, सो लेट्स यूज अ विनर, आशीष थर्ड, कश्यप सेकंड, हमारे डायरेक्टर मैनेजमेंट, एंड द विनर इज मोइज अली। कंग्रेचुलेशंस। नंबर 4 पर नसीर है एंड 5th पर जोबिया। ओके, सो हाउ वाज इट गाइस? सो अभी कश्यप आपको एक भेज देंगी अटेंडेंस फॉर्म जिसको आप लोगों ने फिल करना है। प्लीज उसमें अपना फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा उसमें अपना, ताकि हम लोग जो अपने अपकमिंग सेशंस हैं और अपकमिंग बूट कैंप्स हैं उनको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसको जरूर फिल करें अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए और अटेंडेंस चाहिए तो। अगर कोई भी क्यूरी हो ना आप लोगों, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई एडवांस चीज़ है, चले जो हमने आज डिस्कस नहीं किया ना, कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरह की चीज़, आप कभी भी मुझसे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैं हर जगह रिप्लाई देता हूँ। सो आप मुझे लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, मैं अपना लिंक्डइन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ यहाँ पर, अगर आप लोगों को कोई कोई क्वेश्चनिंग वगैरह है तो। वेट अ मिनट,
फिल कर दीजिएगा आप लोग अपना अटेंडेंस फॉर्म, ठीक है। आई एम लिविंग दिस मीटिंग, थैंक यू वेरी मच, द ऑडियंस वॉज अमेजिंग।